आज जिधर देखो सोशल मीडिया पर बस एक ही वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य के साथ 10 साल पहले हुई थी। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक मौर्य ने बताया कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक करके उनके सभी चैट वायरल किए हैं। मैं उनसे तलाक चाहती हूँ। पीसीएस ज्योति मौर्य बरेली के सेमी खेड़ा स्थित शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात सर है। हम ये चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली है सर। वो सर इतना इतना सर घोटाला किए हुए। ये आंसू एक मजबूर पति के हैं। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। उनकी पत्नी का अवैध संबंध गाजियाबाद में होम गार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से है। मैं सर 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरे गांव निवासी ज्योति मौर्या से हुई। सर बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्या सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चलाया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई। एसडीएम पद पर चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी, उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की है सर? मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर, मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती है सर? अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग गया हूँ, तो सर उन्हीं के साथ होंगी सर। उन्हीं के साथ? जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली है सर। वो सर इतना इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर, 13 साल से शादी के हो गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की, वहां से क्या कहा गया सर? वहां से ये कहा गया जांच की जाएगी सर। सर जांच मिली थी सर राजापुर पुलिस चौकी को, सर उन्होंने लिखा दिया कि पारिवारिक मैटर है सर। क्या चाहते हैं सर? मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ सर। और सर सिर्फ एक पूरे यूपी में सर एक अधिकारी मुझे ऐसा मिला, बीके मौर्य, डीजी होमगार्ड सर। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को सर तुरंत संज्ञान में लेते हुए टीम गठित की है सर। अब देखना सर उसमें रिपोर्ट क्या आती है सर। वो सर अब जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर। वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, इसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है सर। ये लोग लखनऊ के अच्छे अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिक, मैरियट होटल में सर ये लोग जाके रुकते हैं। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ और उल्टा तुम्हारे डीपीआरओ से मैं फोन पे बात की हूँ, तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जांच रुकवा दो। किस पद पर हैं आप? जी सर हम सर चतुर श्रेणी कर्मचारी हैं सर। आपने बताया रंगे हाथ भी पकड़ा है, क्या पकड़ा सर? वो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास रेलनगंज स्थित में आ गया सर। मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा, इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। तो उस टाइम आपने शिकायत नहीं की? सर मैं शिकायत किया था सर, महिला थाना में मैंने किया था इसकी शिकायत। महिला थाना में बुलाया गया, बल्कि महिला थाना ने मेरी पूरी जो मैंने सर उस समय तत्कालीन मैंने वीडियो फोटो भी खींच लिया था उन लोगों को अवैध संबंध बनाते हुए, लेकिन सर महिला थाना ने अध्यक्ष ने मेरी पूरी डिवाइस को रीसेट मार दिया, खाली कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं। आप श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक के लिए मेरे द्वारा आपके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है।
इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम